हेलो फ्रेंड, नमस्कार और आदाब दोस्तों। सहारा इंडिया के सभी एजेंट साथियों का और निवेशक साथियों का हमारे हिस्ट्री न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सहारा इंडिया के एजेंटों ने निवेशकों की राशि दिलाने के लिए ज्ञापन सौंपा। भास्कर न्यूज़ नेटवर्क से ये खबर मिली है। जून 26, 2019 दोपहर 12 बजे की ये खबर है। जी हाँ दोस्तों, मंदसौर सहारा इंडिया के एजेंटों ने मंगलवार को एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। इसमें उन्होंने निवेशकों के रुपए वापस दिलाने जाने की मांग की। ज्ञापन एसपी कार्यालय में सौंपा। इसमें एजेंटों ने बताया कि उन्होंने निवेशकों के रुपए लेकर सहारा इंडिया एवं उसकी सहयोगी संस्थाओं में जमा कराए। समय पूरा होने के बाद भी संस्था निवेशकों के रुपए वापस नहीं कर रही है। ऐसे में एजेंटों के एक साथ आए दिन निवेशक अधभरता करते रहते हैं, यानी कि निवेशक एजेंटों को प्रलोभित करते हैं, परेशान करते हैं। एजेंटों की परेशानी को देखते हुए जल्द समस्या का हल कराया जाना चाहिए। दौलत राम पाटीदार, ए के सिंह, गोपाल शर्मा, भागीरथ पाटीदार, मोहन सोनाली सहित अनेक एजेंट मौजूद थे। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर आपको इस न्यूज़ चैनल से दी जा रही है। खबर पसंद आए तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं। मिलते हैं दोस्तों फिर अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।